भाइयों आज फिर हम हड़म पर वीडियो बना रहे हैं। हड़म पर वो ट्रैक्टर चल रहा है हड़म ट्रक 45, और वीडियो में लास्ट तक बने रहियो। जैसे पहली वीडियो खूब प्यार दिया भाई, इसे भी ऐसे ही प्यार दियो। सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, कौन सा हड़म्पा है और पुली पुली कैसी लगा रखी इन्होंने, ट्रैक्टर कौन सा, कितने हाउस पावर का, पीटी हाउस पावर कितनी है, कितना तेल लेगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले भाई तुम्हें हड़म्पा दुर्ग लेकर चलना। हड़म्पा कौन सा भाई, अब तक जितनी मशीन भी मिली है मैं सारी मशीन एक ही है, सुच्चा सिंह समराला, मतलब कि ये समराला मशीन बना है, बहुत बढ़िया मशीन है। ज़्यादातर ये ना सबसे बढ़िया परफेक्ट मशीन मान ली जा, वैसे और भी बहुत बना है पर ये सबसे बढ़िया मान ली जा सुच्चा सिंह वाली। और बाकी ट्रैक्टर की बात करें तो 2019 मॉडल ट्रैक्टर है, फार्म ट्रक 45। बाकी वीडियो में देख ही रहे होंगे कि ट्रैक्टर दाव में है या कैसा, वो सब कुछ पता लग जा। एक बार दिखाऊंगा कितने RPM पे चल रहा। भाई 200-300 RPM ड्रॉप कर दिए, इसकी वजह बताऊं क्या है, RPM ड्रॉप क्यों कर रहा है वो, RPM वही ड्रॉप कर रहा। सबने एक ही गलती कर रखी, नीचे वाली पुली बड़ी गियर रखी और ऊपर वाली छोटी गियर रखी। अगर ये पुली दोनों एक सार हो ना तो ट्रैक्टर दाब नहीं मानता, बहुत कम दाब मानना है। अब इस हिसाब से 5 लीटर तेल खा जाएगा घंटे से आराम से, जब ही ना खा जाए 5 से। ये देखो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है भाई, 45 HP का ट्रैक्टर है, 45 HP का। पिछले टायर है वो 13 के टायर है इसमें, 13-6-28 और अगले 6 नंबर है 6-16 के। एक बार मैं कह रहा लेबर गुरु का मुट्ठी से लगा देंगे, एक एक पुली लग रही फिर भी ट्रैक्टर थोड़ा सा दाम मान रहा है, वो फर्क पुली का ही आ रहा भाई। कितने बड़े फार्म ट्रक वाले भाई हैं ना, वीडियो को लाइक कर दियो भाई। इधर भी फार्म ट्रक 45 ही खड़ा भाई नवा, और यो भी नवा ही है। मुट्ठी देखते होंगे कितनी लग रही, मुट्ठी तारे सामने ही है, और ट्रैक्टर भी। अब खुद ही तो मैं पता, जो पहले की वीडियो है उसमें और इसमें क्या फर्क है, ट्रैक्टर दाब मान रहा है नहीं मान रहा। अब देखो दाब मान गया ज्यादा भाई, ये 5 लीटर तेल कह रहा, मेरे हिसाब से तो तेल ज्यादा खा जाएगा इस हिसाब से ट्रैक्टर, क्योंकि जब तक ट्रैक्टर बिल्कुल ही RPM बहुत कम ड्रॉप कर रहा है जब तक ठीक चलेगा, जब तक RPM जब ड्रॉप करना शुरू कर देगा ना फिर तो समझ लो कि इनलाइन पंप है और ये फ्यूल की जो सप्लाई है वो बढ़ा देता है। अगर इसी जगह रूटर पंप होता तो वो नहीं बढ़ाता, वो सेम ही रखता है। ट्रैक्टर भले ही दब जाए लेकिन उसका फ्यूल का जो सप्लाई है वो कम ही रखता है, जितनी होती है सेट करी उतनी होती है, लेकिन इनलाइन पंप में उससे उल्टा है। अगर इसे दाब आएगी इनलाइन पंप में तो ये बैकअप टॉर्क के लिए, बैकअप टॉर्क बढ़ाने के लिए सप्लाई बढ़ा देगा तेल की और तेल ज़्यादा खा जाएगा। ये चल रहा एक एक पूरी लगा रहे भाई, ज़्यादा ही लगा रहे। फार्म ट्रक का क्लासिक मॉडल है, स्मार्ट क्लासिक, ये बिना पावर स्टीयरिंग वाला है मैनुअल। अब बिल्कुल साइलेंसर के सामने आ गया, यहाँ से आवाज ट्रैक्टर की ना अगर थोड़ी सी आवाज पलटा का तो वो भी बता रहा कि पलटना नहीं पलटना।
ठीक से चल रहा, थोड़ा सा ना अगर पत्थर दाब का फर्क है ना, सिर्फ पुली का फर्क है। जो पहले फंड ट्रक आवे करे थे उनका जो वो जो पीटीओ निकाले करे थे 540 आरपीएम निकाले करे थे, वो 1600 आरपीएम पे निकाला करे थे। 1600 आरपीएम रेस रख के 540 मतलब कि उसके पीटीओ के चक्कर निकाला करते थे। लेकिन जो अब आ रहा है, अब 1800 भी निकालता है 1600, वो 1800 आरपीएम पे 540 निकालता है पीटीओ के लिए। तो अखबारों का ये कह सकते हैं एक भाषा में भी अखबारों में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगाते हैं पहले वालों से पीटीओ पे। लेकिन इन्होंने पुली में दिक्कत कर रखी है, हड़प्पे की पुली है वो बड़ी छोटी कर रखी, इसलिए थोड़ा ट्रैक्टर दाम मार रहा है। और वैसे भी मान लो कि इसके हिसाब से ट्रैक्टर भी छोटा, पर ट्रैक्टर छोटा तो है नहीं यार। अब देखो कितना दब गया ट्रैक्टर एकदम, 45,000 का ट्रैक्टर है, ठीक है, इतना ही 575 है। अगर भाइयों वीडियो तुम यहाँ तक कौन सा भाई देखेगा एक बार बता दियो कमेंट करके कि इससे 575 बढ़िया चलेगा या जो बढ़िया चलेगा। वैसे तो मैं वीडियो बना दूंगा 575 की भी, लेकिन फिर भी जिस भाई जो भाई भी के पास 575 है, फ्रंट ट्रक 45 है, वो बता दिए एक बार कमेंट करके कि भाई कौन सा बढ़िया चला, यो बढ़िया चला या यो बढ़िया चला। क्योंकि ये मशीन बहुत बढ़िया, अगर हम कहेंगे कि मशीन ज़्यादा जोर ले रही, ऐसा कुछ नहीं है, मशीन बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ये पुली का सिस्टम है यो कुछ गड़बड़ है, नीचे वाली पुली और ऊपर वाली पुली बिल्कुल सेम चाहिए। और घुस का ढेर भी लंबा लग रहा, देखो लंबे घुस ढेर का मतलब है कि थ्रेशर तेज चल रहा, और जब थ्रेशर तेज चलेगा तो सीधी सी बात है यो ट्रैक्टर का लोड ज़्यादा लेगा। देखो इनके पास दूसरा ट्रैक्टर भी फार्म ट्रैक 45 ही है, थोड़ा सा दूर हो गए क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ थोड़ी सी कम आनी शुरू होगी। लेकिन ट्रैक्टर थोड़ा सा दाब में है जो कह सके, बस गेहूँ भी चौके निकल रहे हैं। वैसे पंडाला ना भर जा रहा, यो चीज़ हो ना हड़प्पे की, यो इससे एक फायदा है, इससे गेहूँ बिल्कुल साफ आ रहे। देखो इसमें कोई आड़ा कवाड़ा नहीं आ रहा, इस पंखे की वजह से ये पंखा लग रहा है। तो यहाँ से ना सारी हवा अंदर उधर के अंदर, गेहूँ बिल्कुल साफ आ रहे। देखो तो इस पंखा लग रहा है, इससे बेनिफिट है कि ट्रक 45 वो आके भूस भरने शुरू करते हैं। भाई भाई रुक जाते, बाद में भर लेते भूस। सामने आती रहती है, पता लग जा कि कितने कैसे दाब में आ रहा है, ट्रक नहीं आ रहा। पर अगर इस चीज का अब बिल्कुल मुट्ठी बिल्कुल हल्की करती,